चीन की कोरोना महामारी पर काबू पाने के दावे की फिर से पोल खुल गई है। यहाँ के शिनजियांग प्रांत में कोविड 19 फिर से अपने पैर पसारने लगा है। चीन के अधिकारियों के मुताबिक शिनजियांग प्रांत में 17 नए मामले सामने आए हैं। बिगड़ते हालात के बीच चीन की सरकार ने न सिर्फ शिनजियांग प्रांत में आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगा दी है, बल्कि राजधानी उरुमची में युद्ध जैसे हालात भी घोषित कर दिए हैं। शिनजियांग प्रांत में ताजा संक्रमण के मामलों का बुधवार को पता चला था, जिसके बाद शहर से आने जाने वाली सभी उड़ानों को भी बंद कर दिया गया। साथ ही सबवे सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। शिनजियांग खास तौर से वीगर मुसलमानों और दूसरे तुर्क अल्पसंख्यकों का घर है। साथ ही यहाँ पर चीन की सरकार का सख्त नियंत्रण है। इसकी राजधानी उरुमची की जनसंख्या ही 35 लाख है, जहाँ ये महामारी तेजी से फैल रही है। बीजिंग में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी अधिकारियों ने बताया कि 17 संक्रमण के मामले पाए जाने के बाद उरुमची शहर युद्ध की स्थिति में दाखिल हो चुका है और सभी तरह की सामूहिक गतिविधियां निलंबित की जा रही हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। अधिकारियों को डर है कि कहीं उरुमची दूसरा वुहान न बन जाए।